खरगोन जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत नकली घी और खाद्य तेल पर जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। ये कार्यवाही कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में SDM डिप्टी कलेक्टर खाद्य आपूर्ति अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के संयुक्त दल ने की है। कलेक्टर कुमार इस नकली घी और तेल के व्यापार पर करीब 15 दिनों से रेकी करवा रहे थे। उचित समय देखकर शनिवार को सुबह 5 बजे पूरे दल को तैयार किया और छापामार कार्यवाही की। जिले के भिकनगांव तहसील व मुख्यालय से करीब 28 किलोमीटर दूर बमनाला गांव में निसार खान द्वारा नकली घी का कारोबार किया जा रहा था। तेल के गोदाम से मधुर, रुचि, दावत, कीर्ति आदि ब्रांड के रेपर्स और पैकिंग करने वाले बोतल और केन के ढक्कन आदि पाए गए। मौके से डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि मिस ब्रांड करके व्यापार किया जा रहा था। छापामार कार्यवाही में मिली जानकारी से पता चलता है कि खाद्य तेल के बड़े बड़े ब्रांड बमनाला गांव में ही बनाए जाते हैं। सामग्री में करीब 1 ट्रक विभिन्न आकार और रंग के ढक्कनों के साथ रैपर्स और पॉम्पलेट मिले हैं। कई तरह के केमिकल और गैस चूल्हा आदि सामग्री भी मिली है। खरगोन से जयंत गुप्ता और भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। कलेक्टर महोदय के सर्विलांग में था, उन्होंने आदेश दिया था, उसमें 5 बजे टीम ने सबसे पहले छापामार कार्रवाई बमनाला में की और बमनाला में जब कार्रवाई की तो हमको करीब 500 kg नकली घी, मतलब ऐसे सही और केमिकल्स मिले जिससे नकली घी बनाया जाता। 1700 kg हमको तेल मिला, लूजर तेल, जो विभिन्न विभिन्न ब्रांडों के नकली डब्बे, खोके, स्टीकर, लिक्विड, मतलब सभी ऐसी चीज़ें जिससे कि अपन बिग ब्रांड करा सकते हैं। उसमें कृति था, अनमोल था, कुछ को अलग अलग चीज़ें मिली हैं और ये सब चीज़ों को गैस की टंकी, ये सब चीज़ें वहाँ से मिली। कुछ इनपुट हमको यहाँ का भी था और अभी हमने उसको सर्विलांस में लेकर के डाला है। अब कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई हुई है, वो अब हमने अभी इस चीज़ को, क्योंकि मालिक अभी थे तो उनको नोटिस करके अभी हमने खोल लिया। अब वो जब आएंगे तो राजस्व, पुलिस और फूड की टीम फिर एक संयुक्त कार्रवाई पुनः करेगी। सर, मालिक आ जाएंगे बमनाला में जिस प्रकार की अनियमितता मिली उसमें किस प्रकार की मालिक पर कार्रवाई की जाएगी? वो कार्रवाई बिल्कुल भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत है, फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत है, फूड सप्लाई के अंतर्गत है, लेबर के अंतर्गत है, MPB के अंतर्गत है, नापकॉल के अंतर्गत है और भी जो विधियां लागू होती हैं विधियानुसार वो सभी उसमें अंतर्गत आएंगे। सर, देखने में आया कि और भी बहुत सारी जगह इस तरीके की जो नकली खाद्य तेल और बहुत सारी चीज़ों की बिक्री होती रही है बहुत समय से, तो और भी किसी जगह पे ऐसी कार्रवाई की उम्मीद आगे भी जारी रहेगी? क्यों नहीं, आप बताएंगे तो अभी हम अभी कर देते हैं। जी बिल्कुल, हमारे संज्ञान में आएगा तो बिल्कुल बताएंगे सर। सर, भिकनगांव में नेशनल और इजी किराना पे जिस प्रकार कार्रवाई हुई है तो क्या आगे भी और कार्रवाई नहीं हुई? सर्वे लॉन में डाला है। सर्वे लॉन में अंतर ये है कि हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, उनके भी ऑनर है, उनको नोटिस करा है, वो जब आएंगे तो हम उसकी जो भी कार्रवाई है विवरण अलग से देंगे। थैंक यू। लेकिन हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। देखिए, मैंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि हर तरह के माफिया के खिलाफ यहाँ कार्रवाई होगी, ऐसा राज्य शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश है। और उसमें भी अगर ये नकली सामान बनाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी प्राथमिकता है। इसी क्रम में आज जो सूचना मिली तो बमनाला और भिकनगांव में नकली घी बनाने वालों पर कार्रवाई हुई है। ये बहुत ही एक तरह से आपराधिक कृत्य है कि घटिया तेल को केमिकल यूज करके वो घी बना के ग्रामीण क्षेत्रों में बेच रहे थे बड़ी कंपनियों के रैपर लगा के। तो ये जो कार्रवाई है तो हो ही रही है, इसके अलावा भी ये संभावनाएं देखी जाएंगी कि ऐसे लोगों पर रासुका लगाई जाए, उसके तहत भी कार्रवाई होगी। सर, आपने देखी कार्रवाई थी और सफलता भी मिली? बेसिकली हम लोग 15 दिन से नज़र रखे हुए थे। एक इसके पहले एक कार्रवाई थी, उसके बाद थोड़े लोग सतर्क हो गए थे, तो हमारी ये नज़र थी कि कब इनका ट्रक मूवमेंट होता है। ये रात को ये शुरू करते थे काम करना और सुबह निकालते थे, तो इसलिए सुबह सुबह कार्रवाई की गई है। कितना माल बना? अभी जो है वो 500 लीटर नकली घी है, कई हज़ार लीटर तेल है, एसिड मिला है, कुछ केमिकल्स मिले हैं, ये कार्रवाई चल रही है अभी। ब्रांडेड कंपनियों के रैपर फर्जी तरीके से लगाकर यूज करते थे। दो स्थानों पे चल रही, दूसरे स्थान पे चल रही है और अगर और सूचना मिली तो आगे भी चलेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।